हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जमोल और मैं आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। और आज मैं एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपको मैं M25 का मीनिंग बताऊँगा, M25 क्या होता है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं और ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में अपन जल्दी जल्दी में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, हर इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा आप केयरफुल देखिए और इसको अच्छा सा प्रिपेयर कर लीजिए इसके बारे में आप लोग, ठीक है। तो M25 मतलब दोस्तों, यम मतलब होता है, यम स्टैंड फॉर मिक्स, अब देख लीजिए सिंपली यम स्टैंड फॉर मिक्स। और 25 मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब क्यूब कॉन्क्रीट का जो 25 दिन के बाद 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ आएगा कॉन्क्रीट को अगर अपन 28 दिन के बाद चेक करेंगे तो उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए। मैं दोबारा आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अगर साइट पे अपन कोई भी कॉन्क्रीट कर रहे हैं और साइट पे कॉन्क्रीट करने के टाइम पे एक सैंपल अपन क्यूब लेते हैं साइट पे, जब क्यूब लेते हैं क्यूब अपन एक सेट में लेते हैं, एक सेट में आते हैं 6 क्यूब, मतलब 6 क्यूब में 3 क्यूब का अपन करते हैं 7 दिन के बाद टेस्ट और बाकी के जो 3 क्यूब है उसको करते हैं 28 दिन के बाद टेस्ट, ठीक है। तो जो 7 दिन के बाद क्यूब टेस्ट करते हैं उसका स्ट्रेंथ आना चाहिए 70%। 70% मतलब ये 25 के 70% अपन अगर निकालेंगे तो आएगा लगभग 17.5, मतलब 18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो 7 दिन में हमें इतनी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए M25 कॉन्क्रीट की और 28 दिन के बाद हमें उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए 25, मतलब 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 का डेफिनेशन। और यम का डेफिनेशन होगा यम स्टैंड फॉर मिक्स, मतलब M25 मतलब कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द M25 कॉन्क्रीट इज आफ्टर 28 डेज इज 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जनरली अपन नॉमिनल मिक्स जब करते हैं, नॉमिनल मतलब अपन जब वॉल्यूमेट्रिक मिक्स करते हैं तो उसका रेशियो आता है 1:1:2। और मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से, मिक्स डिज़ाइन में वो साइट कंडीशन के हिसाब से वो डिज़ाइनर क्या डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि नॉमिनल डिज़ाइन क्या, नॉमिनल मिक्स क्या होता है और मिक्स डिज़ाइन क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल के लिए M25 का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, कुछ आपके डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर लीजिए, मैं आपके आंसर ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।